जी, टुडेज लेक्चर इज ऑन, ये हमको फोर इंपॉर्टेंट रिलेशंस ड्राइव करने हैं. तो पहला क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम नॉट डी बी ओवर डी टी वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर टू पावर माइनस 3/2. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ड्राइव ई स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर 4. थर्ड है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर टू पावर टू माइनस वन. वन हो गए यहाँ पे, माइनस वन. और लास्ट है, शो दैट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ अ रेस्ट मास एम नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी के ई इज गिवन बाय एक्सप्रेशन पी इक्वल टू अंडर रूट के ई अपॉन सी टू होल स्क्वायर प्लस टू एम नॉट के ई. तो पहले फर्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन, रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एफ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी. और हम जानते हैं पी इक्वल टू एम वी होता है. ठीक है, बट फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास, एम जो है हमारा मास इन मोशन है, फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर. इसको इक्वेशन वन बोल दिया, इसको इक्वेशन टू बोल दिया. तो क्या करेंगे, इक्वेशन टू से एम की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देंगे. ठीक है, तो एफ इक्वल टू डी ओवर डी टी, एम की जगह लिख सकते हैं एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इंटू वी. अब इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व, देखो एम नॉट तो रेस्ट मास है जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ये तो बाहर आ जाएगा. अब हमारे पास दो फंक्शन है, वी और एक है अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, और वी हमारा कॉन्स्टेंट नहीं है. ठीक है, तो क्या है, दो फंक्शन है. अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं. डी ओवर डी टी एक फंक्शन है वी, या तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन वी ले लिया, सेकंड फंक्शन डिवाइड में अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ले लिया, या इस अंडर रूट को ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ. तो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है. तो दूसरा तरीका है, या तो मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा के, या डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए, आपके ऊपर है. मैं मल्टीप्लाई वाले से कर रही हूँ. ठीक है, तो एम नॉट, तो क्या करेंगे, डी बाई डी टी एक बार वी का करेंगे और एक बार वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू पावर माइनस 3/2 करेंगे. तो पहले ये ऐसे ही लिखते हैं, माइनस हाफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाय डी टी. ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई वाला रूल लगा रही हूँ तो प्लस आएगा. फिर वी ऐसे ही लिखा, अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू पावर माइनस 3/2. चाहे तो मैं यहाँ पहले एक बार डी बाय डी टी लिख लेती हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कई स्टूडेंट. वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर माइनस 1/2. ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो अगर यहाँ तक नोट कर लिया है तो बताइए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लेती हूँ. डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया हमने, न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू डी पी ओवर डी टी लिखा, P इक्वल टू एम वी लिखा, फिर M की वैल्यू M नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वैल्यू पुट की, M नॉट रेस्ट मास से बाहर आ गया. हमारे पास अंदर दो फंक्शन है, एक V है, एक अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है. अभी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई रूल से लेना है तो ऊपर ले जाके सॉल्व कर सकते हैं, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ, या डिवाइड वाले से सॉल्व करना है तो नीचे ही रखिए. मैं मल्टीप्लाई से कर रही हूँ तो इसलिए इसको ऊपर ले आई. हमारे पास दो फंक्शन है, एक V है, दूसरा फंक्शन वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ है.
तो क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट पे आ जाऊं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊं। यस मैम। ठीक है, तो f इक्वल टू एम नॉट, पहले वाला तो वैल्यू आ चुका v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ dv ओवर dt। नेक्स्ट वाले में डिफरेंशिएशन करना है, v तो ऐसे ही लिखा, अब 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन करना है, तो माइनस हाफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर माइनस 3 बाय 2 हो जाएगी, फिर माइनस 2v v स्क्वायर का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और ये हमारा इसके साथ कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, तो माइनस 2v अपॉन c स्क्वायर dv ओवर dt। ठीक है, ये हमारा अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर टू पावर माइनस 1 बाय 2 का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ डी वी ओवर डी टी, इस माइनस से माइनस प्लस में हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वी इस वी के साथ वी स्क्वायर बना देगा, तो प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस v square upon c square to power minus 3 by 2 dv over dt। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ऑलमोस्ट सारी टर्म्स आ गई हैं, हमें क्या करना है, m नॉट dv over dt 1 minus v square upon c square to power minus 3 by 2 कॉमन ले लेना है, dv over dt 1 minus v square upon c square to power minus 3 by 2 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे था 1 minus v square by c square to power minus half, मैंने बाहर कॉमन लिया है minus 3 by 2 तो minus, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 minus v square by c square plus v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बचा, ये v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आ गया m नॉट dv ओवर dt 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर टू पावर माइनस 3 बाय 2। ये रिलेटिविस्टिक फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ की। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वाला करते हैं। अब हम नेक्स्ट था हमारा ड्राइव द रिलेशन ऑफ ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, वी नो स्टार्टिंग सबकी सेम होती है टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन से, वी नो टोटल एनर्जी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, वेयर m क्या है, मास इन मोशन, और फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन 3। वी नो मोमेंटम, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में मोमेंटम भी आ रहा है तो मोमेंटम ले लेते हैं, P इक्वल टू एम वी, वेयर एम क्या है, मास इन मोशन है, वी वेलोसिटी है, तो यहां से हम v इक्वल टू p अपॉन m लिख सकते हैं।
इस वैल्यू की इक्वेशन थ्री में पुट कर देंगे, फ्रॉम थ्री एंड फोर, तो ये हमारा हो जाएगा ई इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, इस वाली टर्म में नीचे वाली टर्म को हम ई स्क्वेयर बना सकते हैं अगर हम सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो हम क्या करेंगे ई सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे पी स्क्वेयर वाली टर्म में, तो अंडर रूट वन माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर सी टू पावर फोर। एम स्क्वेयर सी टू पावर फोर को हम ई स्क्वायर लिख सकते हैं। एक मिनट, एक स्लाइड और बनानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बस स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो हमें आंसर चाहिए वो आ जाएगा। यहां तक सुन लीजिए, क्या करा, टोटल एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, एम मास इन मोशन होता है, वेरिएशन ऑफ मास से एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है, ये हमने इक्वेशन वन में पुट कर दिया, तो इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। मोमेंटम पी इक्वल टू एम वी होता है, तो यहाँ से वी की वैल्यू आ गई पी अपॉन एम, ये वैल्यू हमने ई में रख दी, तो E इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर। इसको हम ई स्क्वायर बनाना चाह रहे थे इस टर्म को, तो हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर सी टू पावर फोर। अब इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ई स्क्वायर लिख देंगे। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो E इक्वल टू E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वेयर अपॉन ई स्क्वेयर ई स्क्वेयर सी स्क्वेयर। सिंपल है, स्क्वायर करिए इसका ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ई स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर फोर वन माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ई स्क्वेयर। इससे इस पूरी टर्म को लेफ्ट साइड में लेके चले जाइए, ई स्क्वेयर वन माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन ई स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर फोर और ई स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर फोर, और जो हमें प्रूफ करना था वो भी लिख सकते हैं, ई स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर फोर। तो इस इक्वेशन को जितने स्टूडेंट्स ने ड्राइव किया है सब ने अलग अलग तरीके से किया, जो जिसको इजी लगे, जो आपके दिमाग में उस टाइम क्लिक करे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। फाइनली हमें ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर चाहिए, कि टोटल एनर्जी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी सी स्क्वायर पी और सी के होल स्क्वायर प्लस एम नॉट या रेस्ट मास एनर्जी के स्क्वायर के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर होता है। अगर आपने ये कर लिया है तो फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला तो इजी है, हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है या रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो ये मोमेंटम वाला के लिए क्या करना है, हमें दोनों टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन से इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन वी नो, एक तो हम जानते हैं ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, जो अभी प्रूफ करके आए हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर, एंड ऑल्सो टोटल एनर्जी ई किसके बराबर होता है,
काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी, ठीक है। तो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को फिलहाल हमें K सफिक्स में E से दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही नोटेशन यूज किए, K से नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। और रेस्ट मास एनर्जी होती है हमारी m नॉट c स्क्वायर, इक्वेशन टू। हमारे पास एनर्जी के दो एक्सप्रेशन है, एक e स्क्वायर की फॉर्म में और एक e की फॉर्म में। इस e की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, p आपका आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, काइनेटिक एनर्जी प्लस m नॉट c स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ई स्क्वायर है, इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर प्लस टू काइनेटिक एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये सी स्क्वायर इधर ले जाइएगा। देखिए जो हमें रिलेशन चाहिए मोमेंटम का, वही आ रहा है, ठीक है। तो दो या तीन स्टेप में क्वेश्चन है क्या है, टोटल एनर्जी के हमें एक्सप्रेशंस पता हैं, दोनों को इक्वेट कर दिया, या कह लीजिए ई की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी की टर्म्स वाली हमने e square equal to p square c square plus m naught square c to power 4 वाले में पुट कर दिया, square ओपन किया, m naught square c to power 4 cancel out हो गया, और एक step या दो step बाद ये answer आ जाएगा। अगर ये note कर लिया तो next slide कर लेती हूँ। क्योंकि अंकित तुम्हारा ये वाला गलत था ना? यस मैम, अभी देखना। मैम सेकंड इक्वेशन कहाँ से आया था? सेकंड इक्वेशन तो हमें पता ही है, हमने जब e equal to mc square प्रूफ किया था तो वहां पे भी लिखा था काइनेटिक, वैसे भी हमें पता है, ये तो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर हम रेस्ट मास एनर्जी लिखते हैं, है ना। ये एक्सप्रेशन तो वेल नोन है, हम अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं जब से फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट की है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी लिखा है। मैम तो टोटल एनर्जी जो था तो उसको स्क्वायर कैसे कर दिया मैंने? इसको स्क्वायर क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये वाली वैल्यू का, ये टोटल एनर्जी, ये भी तो टोटल एनर्जी है ई स्क्वायर, ये ई जो वैल्यू है ये भी तो टोटल एनर्जी है, तो इस ई की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दी। ई की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दी और यहाँ पे ई की स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर कर दिया। ओके मैम, ओके। ये ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेशन टू को पहले स्क्वायर कर लीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर थोड़ा कंफ्यूजन है, ई स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन थ्री बोल देती हूँ फिलहाल। क्या करिए, अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इक्वेशन वन भी स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन थ्री भी स्क्वायर की वैल्यू है, तो इन्हें इक्वेट कर दीजिए, ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। चलिए तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस सी स्क्वायर को इधर लेफ्ट में ले आएंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस क्या था वहां पे, टू एम नॉट के ई टी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही था ना? हाँ ठीक है, इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो p इक्वल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी अपॉन c का होल स्क्वायर
एम नॉट के ई, यही हमें प्रूफ करना था. कई बार जो है, चलिए वो बात की बात है, यहां से सी स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, फिर अलग से एक्सप्रेशन की फॉर्म बन जाती है. लास्ट वाला तो बहुत इजी है, हमें क्या करना है, काइनेटिक या रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी की हमें प्रूफ करनी है. एम नो सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल एनर्जी से लिख लेती हूँ फिलहाल. वी नो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है, देयरफॉर माइनस वन बाय टू, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और टोटल एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास. एम इक्वल टू होता है एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर, और यहाँ से एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ माइनस वन. ठीक है, जो प्रूफ करना था वो आ गया. ये है हमारी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये है हमारा रेस्ट मास एनर्जी. ठीक है, तो ये चारों रिलेशन हो गए. चलिए, तो क्वेश्चन था, शो फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट टू इवेंट साइमल्टेनियस एट डिफरेंट पोजीशन इन रेफरेंस फ्रेम एस आर नॉट इन जनरल साइमल्टेनियस इन अनदर फ्रेम. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर करना स्टार्ट करेंगे. ये टू इवेंट्स हैं, साइमल्टेनियस है, तो मतलब गिवन है कि एक फ्रेम में जो टाइम है दोनों का वो सेम है, सेम टाइम पे एक साथ हो रहे हैं, एट डिफरेंट पोजिशन हो रहे हैं, वो दोनों अलग अलग प्लेस पे हो रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है. इन रेफरेंस फ्रेम एस, तो एस फ्रेम में इवेंट हो रहा है हमारा, वैसे भी देखो एन डैश लिखा हुआ था, अगर ये यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं दिया होता तो फिर तो आपकी मर्जी थी कि आप इसको एस फ्रेम में ले रहे हैं कि एस डैश फ्रेम में ले रहे हैं, बस ये एस फ्रेम में बोल रहा है, और साथ में यहाँ पे जो उन्होंने नोटेशन यूज कर रखी है अनडैश भी कर रखी है, तो उससे भी पता लग जाता है कि ये एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में दे रहा है. इन नॉट आर नॉट जनरल साइमल्टेनियस इन अनदर रेफरेंस फ्रेम, तो अनदर रेफरेंस फ्रेम को हम एस डैश फ्रेम ट्रीट करते हैं. तो क्या कर रहे हैं, एस डैश फ्रेम में हमें टी वन डैश टी टू डैश एक्स वन डैश एक्स टू डैश कैलकुलेट करना है, और फिर उससे हमें दिखाना है कि ये साइमल्टेनियस है या नहीं है. तो सेम वहीं से स्टार्ट करेंगे. साइमल्टेनियस मतलब एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियस का मतलब जो है वही होता है कि साइमल्टेनियस का मतलब है दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं. ठीक है, तो रुकिए इसको मैं यहाँ से लैंग्वेज भी लिखवा देती हूँ ना. डायरेक्ट डेरिवेशन, डेरिवेशन में तो सिंपल है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट लिखेंगे और करना वैल्यूज निकाल लेंगे टी वन डैश टी टू डैश एक्स वन डैश एक्स टू डैश की. ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं. लेट टू इवेंट्स, लेट द टू इवेंट्स अकर इन एन इनर्शियल फ्रेम एस एट टाइम टी वन. लेट टू इवेंट्स अकर इन इनर्शियल फ्रेम एट टाइम टी वन एट पोजिशन एक्स वन एंड टी टू एट पोजिशन एक्स टू.
फॉर एन ऑब्जर्वर ओ डैश इन इनर्शियल फ्रेम एस डैश विच इज मूविंग with velocity v along x axis या x direction with respect to s. These two event occurs, these two events occur at time t1 dash at position x1 dash and t2 dash at position x2 dash for ऑब्जर्वर ओ डैश. ठीक है, ओ डैश के लिए यही तो इवेंट t1 डैश टाइम पे हो रहा है पोजिशन x1 डैश पे और t2 डैश टाइम पे हो रहा है x2 डैश पे. गिवन क्या है, गिवन है कि t1 इक्वल टू t2 है एंड x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है. फ्रॉम लॉरेंज हमें क्योंकि डैश चाहिए इसलिए लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं. अगर इनवर्स चाहिए होता हमें t1 और t2 चाहिए होता तब हम इनवर्स लेते हैं. ठीक है, फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अगर यहां तक कर लिया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लेती हूँ. t1 डैश कितना हो जाएगा हमारा, अगर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है डैश इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और x डैश होता है x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. तो उसी हिसाब से t1 डैश t2 डैश और x1 डैश x2 डैश निकाल लेंगे. तो t1 डैश है हमारा t1 माइनस वी एक्स 1 अपॉन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. t2 डैश होगा हमारा t2 माइनस वी एक्स 2 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. x1 डैश होगा हमारा x1 माइनस वी टी वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और x2 डैश होगा हमारा x2 माइनस वी टी 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 बोल रही हूँ, इसको 2 बोल रही हूँ, इसको 3 4. पहले चाहे 4 माइनस 3 कर लीजिए. ठीक है, 4 में से जब 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश इक्वल टू x2 माइनस vt1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस x1 माइनस v. यहाँ पे 2 आएगा है ना, 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. जब 2 वाला लेंगे तो 2 आएगा, जब 1 लेंगे तो 1 आएगा. 1 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. पर गिवन है कि 2 इवेंट साइमल्टेनियस है तो t1 और t2 सेम है. ठीक है, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. तो x2 डैश माइनस x1 डैश इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट
वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो अगर कहीं x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर भी लिखा है तो हम उसकी जगह x2 डैश माइनस x1 डैश ले सकते हैं. लेकिन ये तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला आ गया एक्सप्रेशन. अभी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, अभी तो साइमल्टेनियस दिखाना है. मैं तो देखा जाए तो t2 माइनस t1 चाहिए बेसिकली, ये तो मैंने फिर भी इसलिए लिख दिया है ना कि हमें करना है. चलिए हम ये तो मजबूरी में करा है कि हम जब t2 माइनस t1 डैश करेंगे वहाँ x2 माइनस x1 डैश ये आएगा तो इसकी वैल्यू पुट कर दें. फ्रॉम 2 माइनस 1 ये नहीं भी करोगे वाला स्टेप तो चल जाएगा क्योंकि हमें फाइनली 2 माइनस 1 चाहिए, हमें टाइम डिफरेंस चाहिए. वो साइमन पोजिशन के बारे में वो ज़्यादा पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, t2 माइनस t1 डैश करेंगे तो t2 माइनस t1 डैश equal to t2 minus vx2 upon c square upon under root 1 minus v square upon c square minus t1 minus vx1 upon c square upon under root 1 minus v square upon c square. और आप देखिए फिर सेम वही है, t2 और t1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम दिया है. तो माइनस वी एक्स टू अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा वी एक्स वन अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा स्टेप, टी टू डैश माइनस टी वन डैश इक्वल टू पीछे क्या था हमारा यहाँ पे माइनस वी एक्स टू अपॉन सी स्क्वायर माइनस vx2 upon c square upon under root 1 minus v square upon c square plus vx1 upon c square upon under root 1 minus v square upon c square. तो यहां से minus upon c square under root 1 minus v square upon c square में common ले लेती हूँ. तो अंदर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर को मैं डैश के टर्म में लिख सकती हूँ x2 डैश माइनस x1 डैश. अब मैं यही कह रही थी कि चाहे तो हम ये वाली टर्म को ऐसे ही छोड़ दें, इसके साथ ले लें चाहे डैश में ले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो क्या चीज पता लग रही है यहाँ से, ये इक्वल टू जीरो नहीं है. अगर ये इक्वल टू जीरो होता तो साइमल्टेनियस होता, बट ये किसके इक्वल आ रहा है, माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश के. तो इक्वल टू अगर जीरो आता तो हम कहते साइमल्टेनियस है, बट नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम कहेंगे साइमल्टेनियस नहीं है. दैट इज टू इवेंट्स आर नॉट साइमल्टेनियस इन अनदर रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि साइमल्टेनियस है. सेम वही क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सेम वही रिपीट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर क्या चीज दिखा रहा है कि उसको पहले जो दिखाई सुनाई दे रहा है वो एक्स टू पोजिशन वाला सुनाई दे रहा है ना कि एक्स वन वाला.